जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अपडेट पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप OKX से जो भी आपके USDT पड़े हुए हैं या फिर आपके वर्ल्ड कॉइन ऐप में USDT पड़े हुए हैं, आप OKX के थ्रू उन्हें विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, अपने अकाउंट में INR में कन्वर्ट करके कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो भी आपके वर्ल्ड कॉइन है उसमें जो WLD कॉइन आते हैं उनकी वैल्यू 3-4 दिन से काफ़ी बढ़ी हुई है। यदि किसी भाई को अपने कॉइन सेल कराने हो जिसे विड्रॉ करने नहीं आते, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पेमेंट तुरंत 5 मिनट के अंदर हो जाएगी। यदि किसी भाई के पास ज़्यादा USDT पड़े हुए हैं तो मुझे संपर्क करें, मैं फिज़िकली मिलकर उनसे उनके जो USDT है वे सेल करके उन्हें अमाउंट पे करके। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि मेरे OKX अकाउंट में 533 USDT पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आपको अपना असिस्ट पे जाना होगा। असिस्ट पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा ट्रेडिंग का, आपको ट्रेडिंग पे क्लिक कर लेना है। यदि आपके USD WLD में पड़े हुए हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें USDT में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे कितने आपके पास WLD पड़े हुए हैं। जितने भी आपको सेल करने हैं यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे। जैसे कि मुझे 7 WLD जो है वो सेल करने हैं, 7 WLD जिसके USDT में 59.46 डॉलर जो है वो बन के आ जाता है। आपको क्या करना है, कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्वर्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे थोड़ा टाइम चलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है टाइम ख़त्म होने से पहले पहले। यहाँ पे हमारा कन्वर्टेड सक्सेसफुल हो चुका है, डन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा बैक आएंगे, बैक आने के बाद आपको OKX पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको P2P ट्रेडिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, P2P ट्रेडिंग और बाय क्रिप्टो। यदि आपके पास क्रिप्टो नहीं है, आप क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं, तो बाय क्रिप्टो पे क्लिक करके आप क्रिप्टो भी बाय कर सकते हैं। हमें सेल करने हैं तो यहाँ पे P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन आ जाता है। आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, जिसकी कीमत 90.50 पर डॉलर के हिसाब से आपको बाय करना होगा। यदि किसी दोस्त को OKX यूज़ करके थोड़ा बहुत अमाउंट कमाना है, 1500 रुपये पर डे का कमाना है, तो आप OKX यूज़ करके यहाँ से बाय करके आप WLD में कन्वर्ट करके उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि WLD की कीमत अभी बढ़ रही है, आशा करते हैं आगे भी थोड़ी बहुत और बढ़े। तो हमें जैसे कि सेल करना है, सेल हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हम इंस्टेंट सेल करते हैं, सेल पर क्लिक करके आप यहाँ से किसी भी बायर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से आपके USDT पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे पहला बायर है, ये 91 रुपये पर डॉलर के हिसाब से ये बाई कर रहा है, हम इन्हें सेल करेंगे। यदि आपके पास 2,50,000 के USDT आप सेल करना चाहते हो तो इसे चूज कर सकते हो। जितने भी आपका अमाउंट है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसी हिसाब से। जैसे मिनिमम 15,699 से 16,000 के ये बाई कर रहा है, और जैसे ये 11,000 से 11,233 रुपये तक के बाई कर सकता है, आप इसे सेल कर सकते हो 41,000 तक का। एक बात और, यदि आपके सामने कोई भी बायर है तो यहाँ पे एक बार देख लेना है कि ग्रीन टिक है या नहीं, इससे पता लग जाता है कि ये ऑनलाइन है। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक हो रखा है इसके सामने, तो ये अभी ऑफलाइन है, इन पे सेल पे मत लगाना। जैसे ये अभी ऑनलाइन है, 1A2208 करके ये 31,500 से 66,000 तक बाई करता है, आप इन्हें सेल कर सकते हो, अपना उसी हिसाब से अपना देख लेना। और दूसरा तरीका होता है हमें, हम ऐड लगा के अपने मनचाहे प्राइस से अपने जो कॉइन्स है, अपने जो USDT है वे सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एड्स पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैंने इससे पहला ऑर्डर जो किया था वो 90.99 रुपये का सेल किया था, अब ये मैं यहाँ पे इनएक्टिव हूँ। आपको क्या करना है, जो बैक वाला था, पुराने वाला जो आपका ऑर्डर था, उसको डिलीट कर देना है, एक बार कन्फर्म कर देना है। अब आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको क्रिएट ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करते हैं आप यहां से अपने मनपसंद प्राइस के जो है वो बाय भी कर सकते हैं USDT। आपको कितने बाय करने हैं चाहते हो, किस हिसाब से आप बाय करना चाहते हो, आप यहां से उसी हिसाब से, जैसे कि आपको 90 रुपये पर USD के हिसाब से बाय करने हैं, आपको कितने USDT बाय करने हैं यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका टोटल अमाउंट यहां पे शो हो जाएगा। आप यहां पे आपको पब्लिक पे कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप मिनिमम 50 USDT ही बाई कर सकते हैं, इससे नीचे आप बाई नहीं कर सकते, और आप मिनिमम 50 USDT ही सेल कर सकते हैं। हमें इस वीडियो में सेल करना है, आप USDT कैसे बाई कर सकते हैं कोई अलग से वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपना
जो भी USD पड़ा हुआ है वो सेल कैसे कर सकते हैं। सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करते ही एक बार आपको देख लेना है बैक जाके कि मिनिमम जो बाई है वो कितना है। मिनिमम बाई 90.50 है और 9000 से 10000 तक का ये बाई कर रहा है अपना। तो हमें थोड़ा ही जल्दी है तो 90.4849 करके अपना ऑर्डर लगाना होगा। तो एड्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एड पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे कि वहाँ पे 90.50 था तो हम अपना जो ऑर्डर लगाएंगे 90.49 के हिसाब से लगा देंगे ताकि हम लिस्ट में सबसे ऊपर आ सके। आपको यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे कि हमें 59.35 अपने USD जो है वो सेल करने हैं। यहाँ पे आप कितने से कितने तक का सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मिनिमम कितने लेना चाहते हो तो हमें 5200 मिनिमम बेचने हैं अपने और 5370 के मैक्सिमम। ये जब कोई बायर बाई करने आएगा तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेगा या तो 5200 से 5300 के बीच में वो बाई कर ले। उसके बाद आपको पब्लिक पे कर देना है, प्राइवेट नहीं रखना। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे जो भी अपने OKX में अकाउंट ऐड किया होगा, UPI ऐड की होगी, वे यहाँ पे शो हो जाएगी और आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये OKX के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वे यहाँ पे अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। आप अपना नंबर दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग रूल्स पे जाओगे। ट्रेडिंग रूल्स पे जाने के बाद आप कम से कम मिनिमम 15 मिनट रखिए और बाकी ऐसे रहने देना है। यदि आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से जाके अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपनी कंट्री इंडिया रहने देना है या फिर ऑल इन कंट्री भी कर सकते हो। रिव्यू ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पूरा ऑर्डर आपका आ जाएगा। क्रिएट ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करते हैं आपका ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। आपको गो टू मार्केट पहले इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ऑर्डर लग गया है, ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने जितने भी ऑर्डर किए वो यहाँ पे कंप्लीट दिखा देगा। आपको पेंडिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कोई बायर आता है तो आपका जो ऑर्डर होगा पेंडिंग में शो हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। यदि आपको अपना ऑर्डर देखना है कि लिस्ट में आपका ऑर्डर कितने नंबर पर है तो थोड़ा बैक करेंगे, यहाँ पे बाई पे जाएंगे, पी टू पी ट्रेडिंग पे जाएंगे, बाई पे देखेंगे। जैसे कि मेरी आईडी राधे राधे के नाम से है तो देखो सबसे ऊपर जो है वो हमारा ऑर्डर शो हो रहा है। यहाँ पे 90.49 का हमने प्राइस रखा था, 59.35 USD हम सेल करने वाले हैं। पे जाके दोबारा से एक बार पेंडिंग में जाएंगे, रिफ्रेश करते रहना एक बार। जब भी कोई बायर आपके बाई करने आएगा तो आप यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं 2 मिनट वेट करने के बाद देखो हमारा जो ऑर्डर था वो किसी ने बाय किया है। चलिए देखते हैं कौन ये है। ये आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये हमसे पूछ रहा है मेरिन रोन नाम का कोई बायर है, उन्होंने हमारे जो USDT है वे बाय किए हैं। हाय आर यू ऑनलाइन, ये पूछ रहा है क्या आप ऑनलाइन हो। तो आपको यस कर देना है और टाइप कर देना है मेक द पेमेंट फास्ट। आपको ये 2-3 मिनट के अंदर पेमेंट कर देगा और उसके बाद आपको अपनी क्रिप्टो रिलीज़ कर देना है। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में चेक कर लेना है ऐप का अमाउंट फुल आया है या नहीं। बिना चेक के क्रिप्टो रिलीज़ मत करना। इसने हमारे मैसेज सीन कर लिए हैं। आप बायर की डिटेल देख सकते हैं। थोड़ा बैक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये कोई नई ID से बंदा आया है, देखते हैं ये पेमेंट ठीक करेगा कि नहीं। 6 जनवरी 2021 में इसने आईडी जनरेट की थी। कंप्लीट ऑर्डर 0 है, कंप्लीशन रेट 0% है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं, इंडिया में जैसे OKX फाइनेंस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं ये अब इंडिया में बैन हो चुके हैं। यदि आप नई आईडी बनाना चाहोगे तो आपकी आईडी नहीं बन पाएगी क्योंकि जो ये ऐप है OKX वगैरह OKX फाइनेंस ये प्ले स्टोर से जो है इनके URL ब्लॉक कर दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। लगभग 9 क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया से बैन हो चुके हैं। यदि आपके पास पुरानी आईडी है तो आप उनसे ट्रेडिंग कर सकते हो, बाई और सेल कर सकते हो। 5 मिनट हो चुके हैं, इसने पेमेंट नहीं की। देखते हैं कितने देर में पेमेंट करता है। जब तक आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आ जाती और आप ठीक से चेक नहीं कर लेते आप क्रिप्टो रिलीज मत करना। 5200 रुपये की पेमेंट कर दी है और स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया है और हमारा कैश पेड भी कर दिया है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि मेरे बैंक का मैसेज भी आ गया है, 5200 रुपये आपके क्रेडिट हो चुके हैं। आपको अपना अमाउंट चेक करके क्रिप्टो को रिलीज कर देना है। आपको रिलीज क्रिप्टो पे क्लिक कर देना है
यस पे क्लिक कर देना है, रिलीज क्रिप्टो पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आसान भाषा में समझाया है वो सभी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि किसी भाई को अपने क्रिप्टो विड्रो कराने हैं तो कृपया करके मुझे संपर्क करें, मैं अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।